दोस्तों आज एक बड़ी खबर आई है और शायद वो खबर अब तक आपको मिल भी गई होगी कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और आज तक के भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है और जिसने कि सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है आज ही सोमवार को कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और जैसे ये फैसला आया तो कई लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे SC ST और OBC वाले सोच रहे होंगे कि इस आरक्षण के आने से हमारे हिस्से का 10% आरक्षण सवर्णों को दिया जाएगा। तो मैं उन्हें बता दूं कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि SC ST और OBC को जो 49.5% आरक्षण मिलता था वो ज्यों का त्यों रहेगा। और संविधान में संशोधन कर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में परिवर्तन कर आरक्षण की सीमा को 49.5% से 59.5% तक बढ़ाया जाएगा और इससे SC ST और OBC के आरक्षण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे SC ST और OBC भाइयों को इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब सवर्ण भाइयों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो गरीब सवर्ण है उन्हें तय करने के लिए सरकार ने क्या नियम और शर्तें बनाई है। तो दोस्तों अभी तक सारी शर्तें तो स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन कुछ मुख्य 4-5 शर्तें सरकार द्वारा बता दी गई हैं, जैसे कि जिनकी सालाना आय 8 लाख या उससे कम है वो इस 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, जिनका शहर में मकान है और अगर उनके पास फ्लैट है तो वो फ्लैट 1000 स्क्वायर फिट से कम होना चाहिए। अगर उनके पास मकान है तो वो 100 गज या उससे कम होना चाहिए। और अगर ग्रामीण एरिया मतलब रूरल एरिया में अगर किसी का मकान है तो वो 200 गज या उससे कम होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि अगर आप खेती करते हैं, किसान हैं और आपके पास खेत या जमीन है तो वो 5 एकड़ लगभग 30 बीघा के करीब या उससे कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप इन 10% गरीब सवर्णों में नहीं आते। दोस्तों अभी बाकी की शर्तें भी धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगी और जैसे भी आएंगी मैं आपको रिपोर्ट देता रहूँगा। और जो तीसरा सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहा होगा कि भाई ये स्कीम लागू कब से होगी, सरकार का ये आदेश लागू कब से होगा। तो दोस्तों जैसा कि मीडिया सूत्रों से अभी तक मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार तो इसी मानसून सत्र में सरकार इसे पास करने की पुरजोर कोशिश करेगी, लेकिन अब ये पास हो पाता है नहीं हो पाता क्योंकि इसमें कई अड़चने हैं और कई सरकारों ने पहले भी इसकी कई बार कोशिश की है लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई है। लेकिन मोदी सरकार ने कहा है कि वो संविधान में संशोधन करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो सीधा सीधा आदेश है कि 49.5% से अधिक आरक्षण की सीमा हो नहीं सकती। अब इसको सुप्रीम कोर्ट को अगर ये बात मनवानी है तो संविधान में सीधी सीधी बात है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए और अगर वो जानकारी मेरे पास होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा, आप कमेंट में मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे भी मैं आपको इस तरह की अमूल्य जानकारियाँ दे सकूँ। जय हिंद, जय भारत।